तो ये जा रहे हैं अब हम बैफ नेशनल पार्क की तरफ। बैफ नेशनल पार्क फोन किया, वहाँ पे शायद एक होटल मिल गया है और अवेलेबिलिटी भी होगी औरों की भी, तो अब हम लोग जा रहे हैं अराउंड 300 किलोमीटर्स। गाइस ये देखिए क्या बढ़िया कलर है, पानी का ऐसा कलर है और मैंने तो आज तक नहीं देखा है, मतलब बहुत ही अमेजिंग कलर है। ओए होए ये जो कलर है ग्रीन, आई डोंट नो क्या कलर है, और पहाड़िया साथ में जैस्पर की वादिया। रात के 9:10 हो रहे हैं, 12 डिग्री टेम्परेचर है बाहर का, और ये देखे लाइट यहाँ पे कितनी लाइट है। 9 आपको भूप अंधेरा दिखेगा और यहाँ पे लग रहा है कि शाम के 6 हैं, वो भी क्लाउड्स की वजह से, नहीं तो धूप ऐसी निकली होती है कि आप कपड़े सुखा लो आधे घंटे में। तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्त। सो गाइज रात के बजे हैं 9:10, यस चौंकने वाली बात नहीं है, और ये हम लोग पहुंच गए हैं एथबेस का व्यू पॉइंट है जहां से माउंटेन की रेंज दिखेगी। रात के 9 भी अमेजिंग व्यू रही है यहां पे। फॉर्चुनेटली शेर वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन यस भालू वालू होते हैं यार यहां पे, तो हम लोग को भालू से बच के रहना पड़ेगा और भाग करके गाड़ी में जाना पड़ेगा, तो इंश्योर करना कि हम लोग इसको लॉक ना करें गाड़ी को। और ये देखिए व्यू पॉइंट भाई साहब बहुत ही बढ़िया आ रहा है। तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां नहीं भूलूंगा मैं। गाइस रात के बजे हैं 10 और बहुत ही अमेजिंग व्यू है मेरे बिल्कुल पीछे, देखिए गाइस क्या खतरनाक जो स्नो, बिल्कुल पीक पे ये बिल्कुल स्नो कवर्ड पहाड़ियां हैं, और यहाँ पे नदी बह रही है, बड़ी सुंदर सी नदी है। रात को 10 भी इसके ऊपर इतनी लाइट है और मेरी आवाज़ पूरी गूंज रही है, कोई भी नहीं है दूर दूर तक, और यहाँ पे इतनी आवाज़ होती है कि हो सकता है कि कई बार ही ये बर्फ़ भी गिर जाती है यहाँ से आवाज़ों से। तक है जान, जब तक है जान। गाइस ऊपर कॉर्नर की तरफ ये देखिए, यहाँ पर कायम रहूंगी, यहाँ पर अभी भी धूप आ रही है और रात के 10 से ऊपर हो गए 10:15 हो चुका है। सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। बस हम लोग डर रहे हैं कि गाड़ी वाड़ी में हिट ना करें, ये देखने में तो वाइल्ड से ही लग रहे हैं थोड़े से। एक ये साइड में खड़े हैं भाई साहब, ये साइड से निकल गए, आप लोगों ने देखा होगा, और ये रात के 10:30 और 10:30 ये हाल है, बाहर लाइट है, बाहर उजाला है इतना, और यहाँ पे आई डोंट नो कौन से जानवर थे भाई साहब, अलग ही तरह की दुनिया है ये। अभी बैफ में यार हुआ सीन क्या है कि हम बंदे को हमने फ़ोन किया था, उससे पूछा कि रूम्स अवेलेबल हैं, तो रूम्स अवेलेबल थे, उतने में हम चलते चलते आगे आ गए हैं, और मेरे ख्याल से हमको 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट चलते हुए हो गए, अभी यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो आई डोंट नो हम लोग क्या फिगर आउट करेंगे वहाँ पे जाके कैसे करना है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही नेटवर्क आएगा पहले उस होटल में बंदे को फ़ोन करेंगे, अपना होटल के रूम्स बुक करेंगे। गाइस बेसिकली हम लोग जैस्पर जाने के लिए आए थे, जैस्पर का प्लान था, लेकिन जैस्पर में आके इतना अच्छा लगा कि हम लोग रिजिस्ट नहीं कर पाए, और हम लोगों ने सोचा चलो यार अब बैफ भी इसी ट्रिप में मार देते हैं, क्योंकि यार एक सर्टेनिटी नहीं है, दोबारा की बात भी है, और क्या है कि वंदे मातरम जो मिशन चल रहा है उसका कोई भरोसा नहीं है कि हमारी टिकट आज की हो, कल की हो, परसों की हो, या 20 बाद की हो, या 2 बाद की हो, तो देयर इज नो सर्टेनिटी। बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से। अभी अभी हम लोग पहुंचे हैं लेक लुइस, और बहुत ही ज़्यादा शांत इलाका है, 12 हैं, सारी चीज़ें शायद बंद पड़ी हैं, लेकिन यहाँ पे हमको अभी हमने होटल में फ़ोन किया तो हमको पता लगा है कि मतलब हमें लेक लुइस नहीं, हमें मेन बैफ में जा कर के वो जगह मिलेगी जहाँ पे हमारा जो भी होटल है, तो अब हम लोग वहाँ पे जाएंगे यार, और वहाँ पे देखते हैं। यहाँ से अराउंड 45 की और ड्राइव है, गाड़ी ठीक तो लग रही है। 1 और अभी हम लोग पहुँचे हैं, तो पता नहीं होटल में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, होटल बिल्कुल यहाँ पे सामने है, बैफ पार्क लॉज करके समथिंग है, तो हमने सोचा यहाँ से कुछ पैक कर लेते हैं, नूडल्स वगैरह, तो लेट्स सी। तो गाइस उस गैस स्टेशन पे जो शॉप थी वहाँ से हम लोगों ने नूडल पैक कर लिए थे, लेकिन अगेन जब अभी हम होटल में आए हैं, होटल के अंदर यहाँ पे माइक्रोवेव ही नहीं है, या फिर कुछ हीट अप करने के लिए नहीं है, तो जो शाम की पूरियाँ बची हुई थी हम लोगों ने पूरियाँ खा ली, भूख थोड़ी लग रही है, लेकिन क्या करें यार, अब बाकी सुबह जुगाड़ देखेंगे, सुबह जुगाड़ क्या है, तो यहाँ से वीडियो बनाना दोबारा स्टार्ट करूँगा, और आप लोग को दिखाऊँगा कि हम लोग वो वाटरफॉल में जा कर के और क्या करेंगे और वहाँ का व्यू कैसा है। Hey guys, what's up? Very good morning to all of you, और आप लोग
होप बहुत अच्छे से होंगे और मज़े कर रहे होंगे। और तो गाइस हम लोगों ने ये होटल था हमारा बैफ पार्क लॉज, यहाँ से हम लोगों ने अभी अभी चेकआउट करा है क्योंकि हम लोगों ने रात को लेट चेक इन किया था, तो हमको इन्होंने परमिशन दे दिया था कि आप लेट चेकआउट कर लो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेसिकली यहाँ पे जो रूम था 166 कनेडियन डॉलर्स था पर नाइट, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए थे तो इसलिए हमको डिस्काउंट भी मिल गया। हम लोग सोच रहे थे यार अगर कोई 200 भी बोलेगा ना रात को तो फिर वो $200 पर रूम हमको देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो यार बल्कि उल्टा ही हो गया क्योंकि हम लोग लेट चेक इन कर रहे थे तो हम लोगों को ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया और हमको बोला कि आप $100 पे करो बस पर रूम, तो वो हम लोगों ने कर लिया, बढ़िया हो गया। कोई नहीं, अब हम लोग सेट हैं, जाके ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आपको घुमाते हैं बैफ की बात। हे गाइस, तो अभी हम लोग हैं बैफ टाउन के अंदर जहाँ पे ये रेड इंडियन का एक आइडल बना हुआ है, और यार बहुत सारी चीज़ें अभी भी पैंडमिक के बाद से सारी ओपन नहीं हुई हैं। तो अगर ये देखा जाए तो जस्ट मेरे पीछे ये है नेशनल म्यूज़ियम बैफ का, विच इज़ ऑल अबाउट बैफ एंड रॉकी माउंटेन्स, और आप देखेंगे पीछे एकदम सुंदर लगते हुए बर्फ़ से घिरी हुई पहाड़ की चोटियाँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यार। और ये सेंट पॉल्स चर्च के बिल्कुल मैं एडजस्टेंट खड़ा हूँ, आप लोगों को मैं व्यू दिखाता हूँ पीछे का, पीछे का शायद ना आए लेकिन मेरे को अपना फेस इधर करना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ का, एकदम मतलब फील आ रही है भाई साहब यहाँ पे। यार देखो ऐसा है तो हमारे इंडिया के हिल स्टेशंस के जैसे ही, लेकिन अगेन जो यहाँ पे सफाई है वो बहुत ज़्यादा है यार, और लोगों का जो मतलब सिविक सेंस है मतलब बहुत ज़्यादा है ऑनेस्टली। यार देखो मैं भी फॉलो चीज़ों को बहुत सारी नहीं करता हूँ, यहाँ पे लोग बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं और उन चीज़ों को मेंटेन करते हैं, प्लस इंफ्रा भी यहाँ का अच्छा है। देखो बर्फ़ तो इतनी पड़ती है कि हालत ख़राब हो जाए, यहाँ पे 4 महीने खाली अच्छा मौसम रहता है, बाकी स्नो ही रहती है, लेकिन उसके बाद भी आपके ऊपर है यार, आप अगर अपने सिटी को मेंटेन करना चाहो तो बहुत अच्छे से करके रख सकते हो। बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं जब तक है जान। सो गाइस ये बैफ टाउन से थोड़ी सी दूर में सरप्राइज व्यू पॉइंट है जहाँ पे हम लोग आए हैं, तो अब बेसिकली ट्रैकिंग थोड़ी सी इधर ज़्यादा है तो हम सोच रहे हैं शॉर्टकट मारे दूसरे व्यू में जाते हैं, वहाँ पे कार इजीली चली जाती है और वहाँ जाके फिर पिक्चर्स लेते हैं। तो गाइस ये है बैफ नेशनल पार्क का वाटरफॉल और बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखाऊंगा आपको अभी थोड़ी देर। तो ये सराउंडिंग है, थोड़ा क्लिफ पे हूँ यार, थोड़ा सा रिस्की है तो आई हैव टू बी लिल केयरफुल क्योंकि वीडियो के चक्कर में भाई मतलब जंप नहीं करना, यहाँ पे पानी भी शायद कम ही है। जब तक है जान। वादों से, तेरे जलते सुलगते ख्वाबों से, तेरी बेरहम दुआओं से नफरत करूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। लेकिन बहुत ही अमेजिंग जगह है भाई साहब, वर्थ है यहाँ पर आना। तो अगर आप कनाडा आए, एडमिंटन आए, और अगर आप अल्बर्टा में हैं तो बैफ बनता है, इवन अगर आप नहीं भी हैं तो भी बैफ बनता है। ये बैफ का मेन अट्रैक्शन पॉइंट था और आई गेस आप लोगों ने देखा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों ने एंजॉय किया और अगर इतना टाइम स्पेंड किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।